नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को शपथ लेते हुए देखा होगा, बड़े बड़े सरकारी अफसरों को शपथ लेते हुए देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि MBBS की पढ़ाई शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट को भी शपथ लेनी पड़ती है, जिसका निचोड़ रहता है कि वो अपना कर्तव्य, अपना ट्रीटमेंट पूरी ईमानदारी से निभाए। आज की डेट में मैक्सिमम इंडियन कॉलेजेस में जो ओथ, जो शपथ ली जाती है, उसे हिपोक्रेटिक ओथ कहा जाता है। ये ग्रीक के एक फिजिशियन थे हिपोक्रेट, उनके नाम पर रखी गई है। ये इतने महान थे कि आज इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। अब फरवरी 2022 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसी हिपोक्रेटिक ओथ को चरक शपथ से रिप्लेस करने का एक प्रस्ताव दिया। चरक शपथ जो हमारे सांस्कृतिक आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में से ली गई है। अब आधे डॉक्टर्स का मानना है कि चरक शपथ को जो आप रिप्लेस कर ला रहे हो वो बहुत अच्छा मूव है। ऐसी शपथ जो हमारे देश के डॉक्टर्स लें वो हमारी संस्कृति और हमारे ग्रंथों में से ही होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर MC मिश्रा जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, वो कहते हैं कि सभी कॉलेजेस में चरक शपथ लागू होनी चाहिए, जैसे कि एम्स में कई सालों से हो रहा है। और वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हिपोक्रेटिक ओथ को रिप्लेस नहीं करा जाना चाहिए, क्योंकि चरक शपथ जो है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच की शपथ है और मॉडर्न अप्रोच के साथ वो मेल नहीं खाती। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये चरक शपथ है क्या, चरक संहिता क्या है, क्यों आधे डॉक्टर इसे लाना चाहते हैं, क्यों नहीं लाना चाहते। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। उससे पहले आइए समझते हैं कि चरक शपथ है क्या। देखिए, आयुर्वेद के दो मूल भाग है, एक है चरक संहिता और एक है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता को आप मेडिसिन का एक इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। ये 8 भागों में बटा हुआ है और फर्दर इसे 120 चैप्टर में बांटा गया है। इसे इंसाइक्लोपीडिया इसलिए कहा जाता है कि हर एक जो भाग है वो अपने आप में एक पूरी स्टडी है। जैसे आप बात करें निदानास्थाना की, ये आपके डिजीज के जो टेस्ट होते हैं या डिटेक्शन, डिजीज की डिटेक्शन की जो टेक्निक्स है वो इसमें मेंशन है कि किस तरह से आपकी बीमारी का पता करा जा सके। इंद्रिया स्थाना, इसमें आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड डिजीज और उससे उपचार दिए गए हैं। इसी तरह 8 भागों में अलग अलग तरीके के उपचार, अलग अलग तरीके की बीमारियां, अलग अलग तरीके की डिटेक्शन टेक्निक्स दी हुई हैं। इवन एक चैप्टर इसमें ऐसा है जिसे क्रीमी चैप्टर कहा जाता है। उस चैप्टर में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है जिन्हें नॉर्मली आप नेकेड आई से नहीं दे सकते। इसका मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो ये ग्रंथ लिखने वाले स्कॉलर्स थे, वो इतने महान थे, उनके पास ऐसी टेक्निक्स थी कि वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते थे जो आज साइंस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखता है। और इसी चरक संहिता में से ली गई है आपकी ये चरक शपथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेदा को भारत में तो खैर सब जानते हैं, क्या इसे भारत के बाहर किसी और देश में भी जाना जाता है? क्या चरक शपथ या चरक संहिता की बातें किसी और देश में भी की जाती हैं? तो आपको बता दूं कि ये भारत सरकार की स्टेटमेंट है कि आयुर्वेदा और चरक के उपचार 16 देशों में रिकॉग्नाइज्ड हैं। डॉक्टर स्याल ने जर्मनी से अपनी PhD की है आयुर्वेद के टॉपिक। एथेंस के डॉक्टर कॉस्टोबोलस ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो मॉडर्न साइंस से ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट का, पर वो इंटीग्रेशन करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स की आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब सब कुछ इस शपथ में इतना बढ़िया बढ़िया है, हमारे देश का इसमें नाम है, तो कुछ डॉक्टर्स स्पेशली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके खिलाफ क्यों है, वो क्यों चाहते हैं कि शपथ को ना लाया जाए? तो उसका रीजन जो है वो ये है कि इस शपथ में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो वाकई ही आपत्तिजनक हैं। जैसे कि इस शपथ में कहा गया है कि जो भी टीचिंग्स होंगी, जो भी मेडिकल की शुरुआत होगी या शपथ होगी, वो अग्नि के सामने और ब्राह्मण के सामने होगा, तो ये थोड़ा रिलीजियस सेंट्रिक हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट जिससे आपत्ति है वो ये है कि जो लेडी जो किसी औरत का ट्रीटमेंट है वो उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के सामने ही होना चाहिए। ये भी थोड़ा आपत्तिजनक है क्योंकि आजकल लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, भारतीय नारी इंडिपेंडेंट हो चुकी है,
और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो वो प्राइवेसी में करवाना चाहते हैं, तो आप किसी की प्राइवेसी को हार्म नहीं कर सकते। तीसरा जो इशू है, जो थोड़ा आपत्तिजनक पॉइंट मुझे लगा, वो ये है कि उस इंसान का ट्रीटमेंट ना किया जाए जो राजा की बुराई करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो पहले ट्रेडिशनली उस समय में यूज की जाती थी, पर ऐसा नहीं है कि इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो आज की हिपोक्रेटिक ओथ है वो ओरिजिनल हिपोक्रेटिक ओथ नहीं है, उसमें भी टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर बहुत सारे बदलाव आए हैं और हर कंट्री ने अपने हिसाब से उसे बनाया है। मेडिकल ओथ जो यूएस में ली जाती है वो अलग है, जो यूके में ली जाती है वो अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के हिसाब से ओथ्स को मोल्ड कर। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स की आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं है या कोई रिलीजियन या कोई कास्ट से संबंधित है, अगर हम उसे हटाकर एक मॉडिफाइड चरक शपथ लाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे सभी डॉक्टर्स सहमत हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। विश्व में हमें एक रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं, यकीन मानिएगा अन्य देश भी फिर आगे आएंगे और चरक शपथ के साथ ही अपने मेडिकल कॉलेजेस का आरंभ करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।